देश भर में चैत्र नवरात्रि को लेकर धूम मची हुई है। लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मां भगवती की आराधना की। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मंगलवार से शुरू हुए चैत्र नवरात्रि के पहले दिन गोलघर स्थित काली माता मंदिर में भक्तगण दर्शन करने पहुंचे और कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार मंदिर परिसर में सावधानी के साथ मास्क लगाकर पूजा अर्चना की। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भक्तगण वीरेंद्र कुमार चौरसिया, ममता साहनी, काली माता मंदिर के सदस्य सन्नी कुमार सैनी, फूल की दुकान लगाने वाली लक्ष्मी सैनी ने कहा, मेरा नाम वीरेंद्र चौरसिया है। रात का पहला दिन है, माता जी का दर्शन करने आए हैं। विगत 30 वर्षों से हम यहाँ मंदिर पे आते रहते हैं हर मंगलवार को। आज संयोग है कि आज जो है नाम चैत्र रामनवमी का शुरुआत है, ये अच्छा संभव हुआ है दिन और हम बराबर आते रहते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं। कोरोना वजह से भी काफ़ी टाइट किया गया है, सावधानी करना पड़ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं गैदरिंग हो जा रहा है। अब तो भक्त जागरूक हो गए हैं, मास्क लगा रहे हैं। जब इधर बढ़ने लगा है प्रकोप तो ममता साहनी, ममता जी आज नवरात्र पाला दिन मंदिर पे आए हैं, मम्मी के साथ आए हैं काली माँ का दर्शन करने। कोरोना वजह से काफ़ी सावधानियाँ पूरी बरती गई हैं। हाँ, काफ़ी सावधानियाँ, लोग मास्क लगा कर अंदर जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। सनी कुमार सैनी, आप यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी के लड़के हैं। पहले कोरोना से पहले जिस तरीके से माहौल था कैसा था और इस समय कैसा दिख रहा है? पहले तो भीड़ भाड़ ज़्यादा थी, लेकिन इस समय बहुत मतलब सन्नाटा टाइप का है और ज़्यादा भीड़ हो नहीं रही है। मंदिर में 5 लोगों को सिर्फ अलाउ है, 5 से 10 लोगों को, और सबको सैनिटाइजर मास्क अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। पहले हम लोग देखे कि 2 साल पहले कोरोना नहीं था तो काफ़ी भीड़ लगी रहती, काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती थी। बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है लोगों के, ऐसे दुकान उकान पे भी असर पड़ रहा है, मंदिर पे भी असर पड़ रहा है। इस टाइम आदमी को सचेत होकर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंदिर की प्रशासन किस तरीके से भक्तों को आने के? मंदिर की प्रशासन पूरी तरीके से टाइट है, यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था है और मास्क यहाँ पे बिना मास्क के अंदर अलाउ नहीं है और सैनिटाइजर और ये फीवर चेक करके अंदर भेजा जा रहा है। विजयलक्ष्मी सैनी, नहीं हमारे यहाँ हमेशा से ऐसे ही दुकान लगता है, लेकिन जब से कोरोना चल रहा है वैसे हम लोग ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पे सैनिटाइजर रख के हर एक जैसे हर थोड़े थोड़े दूरी पे दे रहे हैं, जितनी बार सामान दे रहे हैं हम सैनिटाइज यूज़ कर रहे हैं, और हमारे ये दुकान जब से मंदिर है तब से हमारा ये दुकान है। लेकिन जो कोरोना से पहले किस तरीके से बिक्री होती थी, आप कहते हैं? नहीं, कोरोना से पहले तो बिक्री अच्छी होती है, लेकिन कोरोना के बाद से बिक्री में बहुत बहुत दिक्कत हो रही है। सामान हम लोग का फंस जा रहा है, उतना सामान जैसे पहले की तरह बिक्री नहीं रह गई है।